स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को लेके, जिसको माजागॉन डॉक लिमिटेड बना रही थी। और ये जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत आपके चार जो डिस्ट्रॉयर हैं वो बनाए जा रहे हैं, INS विशाखापट्टनम, मोरमुंगाओ, इम्फाल और पोरबंदर। तो ये चार आपके डिस्ट्रॉयर हैं जो कि बनाए जा रहे हैं MDL के द्वारा। और इन सब को लेकर जो कमीशनिंग है वो तय की गई है 2021, 22, 24 और 25 में। तो यहाँ पर जो पहला डिस्ट्रॉयर है यानी कि INS विशाखापट्टनम, उसको फाइनली डिलीवर कर दिया गया है MDL के द्वारा इंडियन नेवी को। और ये जो डिलीवरी हुई है वो 20 अक्टूबर को की गई है। तो फाइनली जो इसके सी ट्रायल है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। अभी हाल ही में जो कुछ पिक्चर्स हैं कुछ मंथ पहले आपको देखने को मिली थी, जहां पे अपने सी ट्रायल को कंप्लीट कर रहा था। तो फाइनल प्लेटफॉर्म को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस आपके डिस्ट्रॉयर थे P15 के उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके ब्रावो क्लास है वो इम्प्रूव्ड क्लास है कोलकाता क्लास के ऊपर। तो इसको लेके जो एक इन्फोग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर भी जो एक क्विक लुक है वो दे लेते हैं। सबसे पहले आपको शिप का बो दिखेगा, जहाँ पे BEL द्वारा बनाया गया, DID द्वारा डेवलप किया गया जो हमसा NG है वो माउंटेड सोना, वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। गन की बात करोगे तो 76mm जो SRGM है वो यहाँ पे माउंट है, और प्रॉब्लम यहाँ पे जो SRGM होगा वो BHEL ने बनाकर डिलीवर किए हैं। वहीं पे आपको 8 के नंबर में ब्रह्मोस के जो दो सेल है वो दिख रहे होंगे, जो की USL के रूप में इंटीग्रेट किए गए हैं। उसके जस्ट पीछे आपको 16 जो LRSAM है वो दिख रहे हैं 8-8 के सेल में, उसके VLS वहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो रॉकेट है RBU 6000 वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर चीजें सिमिलर चल रही हैं कोलकाता क्लास के। पीछे बड़ोगे तो आपको दिख रहा होगा शिप बॉन्ड टारगेट डेजिनेटर रेडा, प्रॉब्लम यहाँ पर जो गार्पून है वही रहने वाला है। स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा कोलकाता क्लास से। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ही जो ब्रिज है वो आपको दिख रहा होगा, उसमें माउंट किया गया है रेडार को। ये एक मल्टीफंक्शन रेडार है IEI का ELM 2248। तो अभी भी यहाँ पे ये रेडार रहेगा। यहाँ पे टावर के टॉप पे ही जो DRDO द्वारा डेवलप किया गया शक्ति W सिस्टम है वो यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे टावर पे ही जो ECM और ESM है वो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। यहीं पे शिप के बेस जो बिल्ज कील है वो भी दिया गया है, जो कि रोलिंग मोशन को स्टेबल रखेगा, और ये चीज क्रिटिकल हो जाती है मिसाइल को फायर करते वक्त। इन्फ्लेटेबल बोर्ड दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे 4 के नंबर में रहने वाले हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा, जो कि इम्प्रूव किया गया है कोलकाता क्लास से। 4 के नंबर में जो ITTL है, टॉपिडो ट्यूब लॉन्चर, वो यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो ट्यूब होंगे वो 4 ही होंगे। अब यहाँ पे पिक्चर में जो सेकेंडरी रडार है ये सर्च रडार के रूप में काम करेगा, स्पेशली जो आपके एयर टारगेट है उनके लिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी रडार के रूप में जो BEL का RWL 02 है Mark 3, वही अभी आपको फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक L-band बेस्ड सर्वेलेंस रेडार है, जिसकी जो रेंज है वो 270 किलोमीटर का अराउंड है। और यहाँ पे उसका मेन फंक्शन होगा वो कोई भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना होगा, पकड़ना होगा। सो ये जल्दी रिप्लेस किए जाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर रडार के लिए जो डील है वो ऑलरेडी की जा चुकी है। बेसिकली यहाँ पे जो रडार इसको रिप्लेस करेगा वो टाटा पावर LCD और स्पेन द्वारा बनाया गया 3D सर्वेलेंस रडार रहेगा, जिसके लिए जो डील है लगभग 1200 करोड़ की वो साइन कर ली गई थी 2019 में। तो प्रॉब्ली आने वाले टाइम में जो ये 3D रडार होगा वो यहाँ पर रिप्लेस इसको करेगा लेंजा 3D, जिसकी जो रेंज है इंस्ट्रूमेंटल रेंज वो लॉन्ग रेंज के लिए 470 किलोमीटर के अराउंड है, और मीडियम रेंज के लिए 330 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये जो पर्टिकुलर रडार है वो आपके बाकी के जो विशाखापट्टनम क्लास है उन पे प्रॉब्ली रहेंगे, और यहाँ पे भी इसको शायद रिप्लेस किया जाए, और जो अभी करंट में आपके कोलकाता क्लास पे ये जो रडार है वो भी रिप्लेस किए जाएंगे। यहाँ पे अगले इम्प्रूवमेंट की बात करते हो तो 4 के नंबर में AK-630 यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे CIWS के रूप में। फिर जस्ट पीछे 16 के नंबर में जो LRSAM है वो आपको दिख रहे होंगे, 8-8 के दो VLS यहाँ पे रहेंगे। जो यहाँ पे टोर डिकॉय सिस्टम रहने वाला है वो DRDO का ही रहेगा, और डिकॉय फायरिंग के लिए जो कवच Mod 2 है वो यहाँ पे रहने वाला है। हेलीकॉप्टर को पार्क करने के लिए जो रेलिस ट्रवर्स मैकेनिंग में वो यहाँ पे दिया जाएगा, इसको लेके हम कई सारी वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर तक की जो जगह है वो आ सकती है। तो कुछ ऐसा आपका INS विशाखापट्टनम है, जिसका जो डेक है उसको इम्प्रूव किया गया है, और इसमें से पहले शिप की जो डिलीवरी है वो इंडियन नेवी को कर दी गई है। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, जो कि इंडियन नेवी को लेके ही है। इंडियन नेवी के INS 321 को, यानी कि INS सीकरा को, आज 2 के नंबर में जो ALH Mark 3 MR है, नए वाले ALH Mark 3, वो डिलीवर किए गए हैं। नए वाले ALH Mark 3 को लेके हम सभी जानते हैं कि 16 की जो डील है वो साइन की गई नेवी के लिए, और 16 ही आपके कोस्ट गार्ड को डिलीवर किए जा रहे हैं। तो कहने की मुंबई जैसे इलाके में स्थापित जो INS सीकरा है उसकी क्षमता को बढ़ाने जा रहा है ALH Mark 3, चाहे वो किसी भी तरह का मिशन ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।